ये तो जाति का हमला है ना, ये कोई क्राइम नहीं है, ये उससे बड़ा है, जहाँ पे हम आप पे हुकुम चलाएंगे, आप नीचे जाति के हैं आप नीचे रहेंगे। उनकी हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या है? परवेश शुक्ला का ये जो क्राइम है ये उनकी कल्पना है। अगर आप जाति में नीचे हैं आपके ऊपर हमला होगा, और अगर आप उस हमले के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे आपके ऊपर मुकदमा होगा। क्या उनके घर बुलडोज़र किए गए? क्या उनके ऊपर UAPA लगा गया? क्या उनके ऊपर सेडिशन लगाया गया? क्या उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा मुझे बता दीजिए? आप दूसरे धर्म के हैं, जब भी आप मुंह खोलेंगे आपको आतंकवादी बोल दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी गिरी। मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ आजकल वीडियो वायरल हो रहा है, कल से प्रवेश शुक्ला की निंदनीय जो घटना हुई, पेशाब कर देने वाली घटना, उस चीज़ से आप सब वाकिफ हुए। लोगों का कहना है कि अगर परवेज के जगह पर परवेज होता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, लेकिन क्योंकि वो परवेश शुक्ला है, पंडित है, इस वजह से सिर्फ उसकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी में भी वो भगवे कपड़े में पुलिस वालों के साथ तैश में चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी सवाल किए। खैर, गिरफ्तारी हो गई। इसको लेकर DU के PhD एस्पिरेंट से बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा क्या कहना है, मैं तो दरअसल कोशिश यही करूँगा कि भाजपा, RSS और सरकार जो हिंदू राष्ट्र की बात कहता है, उनकी हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या है? परवेश शुक्ला का ये जो क्राइम है ये उनकी कल्पना है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? जब वो हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, वो एक नफ़रत की राष्ट्र है, नफ़रत की राज है, जहाँ पे अगर आप जाति में कम हैं, अगर आप जाति में नीचे हैं आपके ऊपर हमला होगा, और अगर आप उस हमले के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे आपके ऊपर मुकदमा होगा। अगर आप शोषण का विरोध करेंगे आपके ऊपर बुलडोज़र चलेगा। ये मैं कोई जुमले में नहीं कह रहा हूँ, और ये मैं कोई रेटोरिक में नहीं कह रहा हूँ। आप देश में जहाँ पे भाजपा की सरकार रही उसका उदाहरण ले लेता है। चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, और राजनीतिक पहल कदमी में हम दोनों ने लंबे समय में साथ दिए हैं। उन पर हमला हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने जातिवादी व्यवस्था और जो जातिवादी व्यवस्था को बढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ और उस न्याय के लिए, समानता के लिए लड़ते रहे। जिन लोगों को पसंद नहीं था वो उन लोगों पे गोली चलाए, और उनके ऊपर क्या हुआ? क्या उनके घर बुलडोज़र किए गए? क्या उनके ऊपर UAPA लगा गया? क्या उनके ऊपर सेडिशन लगाया गया? क्या उनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा मुझे बता दीजिए जो आम लोग सरकार के नीतियों का विरोध करते हुए मिल जाते उनके ऊपर लगता है? नहीं किया। दूसरा, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के ऊपर, ये तो हमारे जातिवादी व्यवस्था में सदियों से चलता हुआ अपराध है, और ये किसी का डिग्निटी को छीनने का तरीका है, उनको ख़त्म करने का तरीका है। सबसे ज़्यादा अगर ऐसा घटना घटा, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, नहीं बोले। अमित शाह को बोलना चाहिए था, नहीं बोले। या BJP के तमाम मंत्रियों को बोलना चाहिए था कि इनको जेल भिजाओ, नहीं बोले। और तुरंत जो जातिवादी हमला हुआ, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जो क्राइम करता है ना उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई जाति नहीं है। ये तो जाति का हमला है ना, ये कोई क्राइम नहीं है, ये उससे बड़ा है। क्योंकि 5000 साल में जो जातिवादी व्यवस्था ने हम लोगों को सिखाया कि आप ये आपके नीचे जातियों के साथ कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। आज़ाद भारत में अंबेडकर के संविधान से इस चीज़ को नकारा गया, और बराबरी की लड़ाई लड़ा गया, और इसको गुनाह माना गया। तो उसके ऊपर हमला है ये, और कह देना कि जातिपूर्वक हमला नहीं है, कि सरकार भी चाह रहा है कि इसको आपके नॉर्मल क्राइम के ऊपर देखिए, ये हेट क्राइम है, ये नफ़रत का क्राइम है। क्यों नफ़रत का क्राइम है? क्योंकि वो दूसरे जाति के थे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी है कि वो BJP के विधायक का प्रतिनिधि है,
इस वजह से उसके अंदर गुंडागर्दी और इस तरफ का सोच का जो यह है नहीं, मैं जो सर आपको जो बात बोला, जो हिंदू राष्ट्र की इनकी कल्पना है, हाँ। वो हिंदू राष्ट्र इनका ब्राह्मणवाद का राष्ट्र है, जहाँ पे हम आप पे हुकुम चलाएंगे, आप नीचे जाति के हैं आप नीचे रहेंगे, आप दूसरे धर्म के हैं जब भी आप मुंह खोलेंगे आपको आतंकवादी बोल दिया जाएगा, अगर आप महिला हैं आप घर में सीमित रहेंगे। आप जो बात मैंने बोला, आप भाजपा सरकार आने के बाद कोई भी उदाहरण उठा के देख लीजिए, क्या इस परिकल्पना से बाहर है क्या वो जो 8 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार कठुआ में हुआ, बीजेपी के लोगों ने जुलूस निकाल दिया बलात्कारी के पक्ष में, ब्रिजभूषण के ऊपर महिला रेसलर्स ने जो हमारे देश के लिए इस मेडल जीता है, प्रधानमंत्री बोला कि आपने इस देश का आगे बढ़ाया, गर्व हूँ मैं उस पर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, और ब्रिजभूषण जेल नहीं गया अभी तक और उनको सड़क पे घसीटा गया, तो क्या महिलाओं को अपना जगह नहीं दिखा रहे थे यहाँ पे? रोहित वेमुला का सांस्थानिक हत्या होकर 7 साल पूरे होने के आ रहे हैं, पूरे 7 साल पूरे हो चुके हैं, क्या जो उस गुनहगार थे एबीपी के लोग उनको अभी तक पकड़ा गया? 2016 में जेएनयू से नजीब एक छात्र एबीपी के पीटने के बाद गायब हुआ, क्या उस छात्र को अभी उसकी माँ अभी भी लड़ रही है, क्या उनको इंसाफ मिला? ये उदाहरण मैं उस दौर की बता रहा हूँ जब ये सरकार आई है। आज के समय में तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण है हमारे पास जहाँ पे अन्याय हो रहा है, ये इनकी हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। क्या यहाँ पे बराबरी है? नहीं है। क्या यहाँ पे इंसाफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्या ये ब्राह्मणवादी समाज है? बिल्कुल है। तो ये नफरत की राजनीति की अगर ये कल्पना है तो आपको और हमें ये सोचना पड़ेगा, क्या ऐसा देश हमें चाहिए? अगर बात करें चंद्रशेखर की तो आप सभी को पता है कि बीते समय कुछ समय पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद पर गोलियां चली, वो घायल भी हुए, उसके बाद भीम आर्मी के लोगों ने Y+ सुरक्षा की मांग की थी लेकिन नहीं दी गई। वो उसके बाद बीजेपी के एक नेता ने आके साफ तौर पर कह दिया कि सुरक्षा नहीं देंगे। लेकिन कुछ ही समय पहले जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे संतोष सुमन, जो कि पहले नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में हुआ करते थे, वो गठबंधन तोड़कर NDA में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्हें Y+ सुरक्षा दी गई। इस पर सर क्या कहना है आपका कि चंद्रशेखर जिन पर हमला हो रहा है, जानी हमला हो रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा है सुरक्षा, लेकिन जो सिर्फ NDA में शामिल हो रहा है उसको सुरक्षा दे दिया जाएगा? मोदी जी ने 2 दिन पहले एक जगह पर भाषण दिया, NCP के अजीत पवार और NCP ने 70,000 करोड़ की घोटाला किया, आज अजीत पवार बीजेपी में है, घोटाला गायब हो गया। आप कितने भी बड़े दुष्ट, वॉशिंग पाउडर जो चल रहा है उससे भी ज़्यादा है, आप कितने भी दुष्ट हो सकते हैं, कितने भी बड़े क्रिमिनल हो सकते हैं, कितने भी बड़ी ब्राह्मणवादी हो सकते हैं, मनुवादी हो सकते हैं, कितना भी पैसा आप लूटे सकते हैं, महिलाओं के साथ कितना भी बड़ा अत्याचार आप किए सकते हैं, अगर आप RSS बीजेपी के साथ है आप पे एक्शन नहीं होगा। आप कितना भी बड़ा स्कैम कर लीजिए, आपका सरकार आज के टाइम पे टमाटर को 140 रुपये में बेच रहा हो, महंगाई चरम सीमा पे है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बीजेपी के साथ हो। अगर आप बीजेपी के खिलाफ हो, जैसे कर्नाटका में सरकार बनी, गरीबों के लिए 5 किलो और एक्स्ट्रा अनाज देने के लिए सरकार के पास अनाज रखा हुआ है, नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आपने मुझे हराया। तो गरीबों को भूखे भी रख सकते हैं, चावल डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि कर्नाटका ने भाजपा को हराया। मैं कह रहा हूँ चलो, भाजपा में 36% लोगों ने आपको तो चुन के दिया, उन लोगों को भी 5 किलो एक्स्ट्रा जो अनाज मिलने वाला था कांग्रेस सरकार आने की वजह से, वो भी तो किसने डिनाई किया? भाजपा ने। तो ये भाजपा की राजनीति, आप हमारे साथ हो आप प्रचंड हो, आप दूसरे के साथ है तो बर्बाद कर देंगे, आप घमंडी हो और आपको अपना जगह दिखा देंगे। तो जैसा कि आपने सुना किस तरीके से भाजपा की नीतियां हैं, जो आप अगर हमारे साथ हो तो ठीक है, वरना अगर आप दूसरे के साथ गए, आपने हमारा साथ नहीं दिया तो आपको बर्बाद कर देंगे, आप घमंडी हो, आपका साथ नहीं देंगे। और जो महंगाइयाँ चल रही है उसको लेकर सर ने बताया कि
लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकारें इस पर मौन है। वहीं चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर को सुरक्षा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई नेता एनडीए में शामिल हो जाए तो उसको सुरक्षा आराम से मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैमरामैन बॉबी के साथ मैं ब्यूटी गिरी, जनहिता।